कितना खरा सोना खरीद रहे हैं आप, मिनटों में लगेगा पता। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है। इस अवसर पर बहुत से लोग सोने और ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं। कई बार आप सोने की खरीदारी करने जाते हैं तो ठग लिए जाते हैं, जैसे कि सुनार ने 22 कैरेट की ज्वेलरी बताकर 18 कैरेट वाली पकड़ा दी हो, या आपने जो सोना खरीदा हो वो काला हो गया हो। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप सोना खरीदें तो कैसे सोने की पहचान करें, साथ ही कुछ नंबर भी आपको बताएंगे जिसे देखकर आप सोना खरीद सकते हैं। दोस्तों, सोने के सभी आभूषणों पर तीन तरह के मार्क होते हैं जो उसकी शुद्धता की गारंटी देता है। BIS का लोगो, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, HUID कोड, कैरेट की जानकारी। अगर आप भी इस धनतेरस पर गहना खरीद रहे हैं तो कुछ नंबर हम बता रहे हैं जिसे आप अपने पर्ची में लिखकर रख लीजिए और इसे देखकर ही सोने की खरीदारी करें। बता दें कि गहनों पर 22, 23, 24 कैरेट नहीं लिखे होते हैं, बल्कि कुछ नंबर होते हैं जो इन कैरेट के बारे में बताते हैं। 24 कैरेट सोने पर 999 लिखा होता है, तो 23 कैरेट वाले पर 958। इसी तरह 22 कैरेट का सोना है तो 916 और 21 कैरेट है तो 875 लिखा होगा, जबकि 18 कैरेट के सोने पर 750 लिखा होता है। जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो भुगतान करने से पहले उसके हॉलमार्क की जांच जरूर कर लें। ये भी देखें कि हॉलमार्क पर कोई खरोच या धब्बा तो नहीं है। साथ ही सोने की जाँच ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप BIS केयर ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप में UHID नंबर डालते ही आपको ज्वेलरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर जानकारी नहीं मिली है तो ये संकेत है कि हॉलमार्क नंबर नकली हो सकता है। घर पर भी सोने की जांच कर सकते हैं। इसके लिए सोने पर विनेगर की बूंदे डालें, रंग नहीं बदला तो आपका सोना असली है। चुंबक से जांचें, असली सोना चिपकेगा नहीं। सिरेमिक पत्थर पर भी घिस सकते हैं, सुनहरा निशान छोड़े तो ये असली है। पानी में डालें, अगर पानी में डूब जाए तो सोना असली है। तो धनतेरस में सोने की खरीदारी करते समय इन टिप्स का पालन जरूर करें और सुनिश्चित करें कि आप असली और शुद्ध ज्वेलरी ही खरीद रहे हो। ध्यान रखें कि सावधानी हमेशा बेहतर है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस धनतेरस क्या खरीद रहे हैं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।